मेघालय, जिसे बादलों का निवास कहते हैं, ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में से एक हिल स्टेशन है जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शिलांग मेघालय की राजधानी होने के अलावा आपको मेघालय में घूमने के लिए बहुत अच्छे जगह प्रदान करता है। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा शिलांग मेघालय के प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। ये राज्य भारी वर्षा, गुफाओं, सबसे ऊंचे झरने, सुंदर लैंडस्केप्स और यहाँ के अमेजिंग लोगों और उनके संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं मेघालय टूर पे निकले हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को मेघालय घूमने की पूरी जानकारी मिलेगी, बस आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेघालय जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ट्रेन से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुँचना है। अगर आप लोग दिन के टाइम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो आप लोग उसी दिन शिलांग के लिए निकल सकते हैं। अगर आप लोग रात के टाइम पहुंचते हैं तो आप लोग पलटन बाजार रेलवे स्टेशन के पास ही एक दिन के लिए होटल रूम बुक कर सकते हैं। मेरी ट्रेन रात के 9 बजे पहुंची थी तो मैंने पलटन बाजार रेलवे स्टेशन के पास ही होटल रूम बुक किया। यहाँ आपको कम प्राइस में ही अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। ये है मेरे गुवाहाटी का होटल रूम। अगले दिन सुबह के 6 बजे मैंने होटल से चेकआउट किया और पलटन बाजार बस स्टैंड पहुंची। तो अब मैं शिलांग के लिए निकल रही हूं। मैंने शेयर टैक्सी किया है शिलांग जाने के लिए। शेयर टैक्सी में आप 4 पर्संस एकोमोडेट हो सकते हैं और इसका प्राइस है 500 रुपये। आप सुमो भी बुक कर सकते हैं। अगर आप सुमो बुक करते हैं तो आपका प्राइस होगा 300 रुपये पर पर्सन, लेकिन वहाँ पर 10 लोग को एकोमोडेट करते हैं। आप लोगों को शेयर टैक्सी और सुमो पलटन बाजार बस स्टैंड से मिल जाए। तो आगे का मैं आपको दिखाती हूँ शिलांग जाने की रास्ते पे। आप लोग शिलांग फ्लाइट से भी जा सकते हैं। उमरोय एयरपोर्ट या शिलांग एयरपोर्ट शिलांग का एकमात्र एयरपोर्ट है जो सेंट्रल शिलांग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उमरोय एयरपोर्ट से आप लोग टैक्सी लेके सेंट्रल शिलांग पहुँच सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शिलांग जाने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ट्रेन का ऑप्शन। इस बार मैं मेघालय में शिलांग, चेरापुंजी और डाउकी ये तीनों जगह घूमने वाली हूँ, इसलिए मैंने ऐसे जगह होटल बुक किया है जहाँ से पहले तो ये तीनों जगह घूमने का डिस्टेंस बराबर हो ताकि ट्रैवलिंग में कम खर्चा हो, दूसरी होटल अच्छा हो और तीसरी होटल आपके बजट में हो। तो मैंने होटल शिलांग के पुलिस बाजार के पास ही बुक किया है जो शिलांग टैक्सी स्टैंड से बिल्कुल नज़दीक है, जहां से आपको साइट सीइंग के लिए टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे टिप्स और इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिससे आपका मेघालय ट्रिप एक्साइटिंग भी होगा और आपको ट्रिप के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। कोविड की वजह से मेघालय में एंट्री लेने के लिए आप लोगों को मेघालय टूरिज्म ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करना होगा और ई इनवाइट जनरेट करना होगा। मेघालय टूरिज्म ऐप गूगल प्ले स्टोर पे ही उपलब्ध है। गुवाहाटी से शिलांग तक की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और लगभग 3 घंटे बाद मैं शिलांग पहुँच गई। तो फ्रेंड्स, मैं शिलांग पहुंच चुकी हूं और अभी मैं इनफैक्ट मेरे होटल रूम के अंदर ही हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूं मेरा होटल रूम कैसा है। स्टार्टिंग में ही यहां पे बहुत बड़ा सा टेबल है, यहां पे मैंने अपने लगेज रखा है और यहां पे बहुत अच्छा खासा मिरर है और बैठने का भी फैसिलिटी है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से तैयार हो सकते हैं। यहाँ पे एक डबल बेड दिया गया है और यहाँ पे एक फैन है। एसी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ठंडा रहता है, तो एसी की जरूरत ही नहीं है। इस तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको पानी प्रोवाइड किया गया है, काफी स्पेशियस है। यहाँ पे आप लोग अपना सामान रख सकते हैं। टॉवल्स प्रोवाइड किया गया है और टीवी भी है। इस तरफ आप आओगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कवर दिया गया है, यहाँ पे आप लोग अपने कपड़े रख सकते हैं। और लेफ्ट साइड में वॉशरूम है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा रूम अगले 3 दिनों के लिए शिलांग में। मेघालय की राजधानी शिलांग पाइन ट्री से समृद्ध एक खूबसूरत शहर है। ये हिल स्टेशन अपने मौसम, सुरम्य स्थानों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। शिलांग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। शिलांग सेंटर पॉइंट हलचल भरे और रंगीन शिलांग सिटी का केंद्र में है।
यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और शिलोंग के लोकल साइटसीइंग के लिए निकल पड़े। शिलोंग में लोग खासी भाषा बोलते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा समझ में भी आता है और बोलना भी आता है। शिलोंग में आपको लेक्स, पार्क्स, फॉल्स, पीक्स, लैंडस्केप्स और म्यूजियम्स देखने को मिलेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले तो हम वाट्स लेक देखने के लिए निकले, क्योंकि वो शिलोंग सिटी सेंटर से सबसे नज़दीक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अभी मैं चल रही हूँ वाट्स लेक की तरफ। वाट्स लेक शिलोंग का एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है। ये पुलिस बाजार से बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग इसे पैदल ही कवर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। लगभग 700 मीटर पैदल चलने के बाद मैं पहुँची हूँ वाट्स लेक, तो चलिए अंदर चलते हैं। एंट्री करने के बाद हमें लगभग 100 मीटर तक वॉक करना पड़ेगा, तभी वाट्स लेक का मेन पॉइंट हम लोग को मिलेगा। फाइनली हम वाट्स लेक पहुँच गए और अब हम चलेंगे टिकट काउंटर की तरफ। टिकट प्राइस एडल्ट्स के लिए 20 रुपये है और बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए 10 रुपये है। बाकी की इंफॉर्मेशन आप लोगों को टिकट काउंटर के बाहर लगाए हुए बोर्ड पे मिल जाएंगे। वाट्स लेक शिलोंग के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे अवश्य देखना चाहिए। शिलोंग सिटी के केंद्र में स्थित वाट्स लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, जो एक हरे भरे बगीचे से घिरी हुई है और एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसके चारों ओर पूरे शिलोंग सिटी की योजना बनाई गई है। वाट्स लेक के बीच में एक छोटा ब्रिज बनाया गया है, जिससे टूरिस्ट पूरी लेक का दृश्य देख सके। वाट्स लेक का नाम असम के चीफ कमिश्नर सर विलियम वार्ड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस लेक के निर्माण की शुरुआत की थी। ये लेक शिलोंग के स्थानीय लोगों और टूरिस्ट के बीच एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। लेक का प्रमुख आकर्षण निश्चित रूप से बोटिंग है। बोटिंग करने के बाद आप लोग यहाँ पे खासी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन सकते हैं और अपना फोटोज भी खिंचवा सकते हैं। वाट्स लेक एक मंत्रमुग्ध करने वाली लेक है, जिसे पोलोक लेक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर जी की शिलोंग के सुंदरता पर आधारित एक कविता पढ़ने को भी मिलेगी। यह लेक फूलों की क्यारियों और पत्थरों से बने फुटपाथों के साथ एक चमकीले बगीचे से घिरी हुई है। यहाँ पे लोग लेक के चारों ओर घूम के अपने मन को शांत करने आते हैं, या बैठकर असंख्य रंगों के आश्चर्यजनक फूलों की प्रशंसा करने के लिए भी आते हैं। वाट्स लेक ट्यूसडे के दिन बंद रहता है। लेक में तैरते हुए हंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग लेक के चारों तरफ घूम के थक जाते हैं, तो यहाँ एक कैफेटेरिया भी है, जिसमें कई प्रकार के रिफ्रेशमेंट्स और बेवरेजेस मिलता है।
उसके बाद हम निकले लेडी हाइडारी पार्क की तरफ। आज मैं आई हूँ लेडी हाइडारी पार्क। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है इसका टिकट काउंटर। ये मैप है। तो चलिए आप अंदर चलते हैं। शिलोंग के केंद्र में स्थित लेडी हाइडारी पार्क को फान नोंगलियात पार्क एट एनिमल लैंड के नाम से भी जाना जाता है। शिलोंग को ये पार्क ब्रिटिश रूल के दौरान असम राज्य की प्रकृति प्रेमी फर्स्ट लेडी असम के गवर्नर की पत्नी लेडी हाइडारी के पहल के कारण मिला। जब आप लेडी हाइडारी पार्क में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो है जापानी स्टाइल गार्डन। फूलों के बगीचों, एक तालाब और एक छोटे से चिड़ियाघर के साथ यह एक सुंदर हरी भरी जगह है। 1 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले लेडी हाइडारी पार्क में एक छोटा चिड़ियाघर, एक डियर पार्क और बच्चों के लिए एक खेल क्षेत्र है। पार्क में विभिन्न प्रकार के अच्छी तरह से खिले गुलाब, ऑर्किड और कई अन्य प्रकार के फूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पार्क में हरे भरे रंग के अलग अलग फूलों की क्यारियां है। यहाँ एक बटरफ्लाई पार्क और चिल्ड्रन पार्क है। आप लोग देख सकते हैं ये पार्क कितना सुंदर है और मेंटेन्ड है। यहाँ अलग अलग तरह के आपको फूल देखने को मिलेंगे। यहाँ आप लोग अपने फैमिली के साथ आके घूमने का आनंद ले सकते हैं। लेडी हाइडारी पार्क का टिकट प्राइस एडल्ट के लिए 20 रुपये है और बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए 10 रुपये है। ये पार्क सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। मंडे को ये पार्क बंद रहता है। यहाँ के बटरफ्लाई म्यूजियम सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। सच में बहुत सुंदर है। यहाँ पे तालाब भी है जहाँ आप लोगों को हंसों की सुंदरता देखने को मिलेंगे। टूरिस्ट और स्थानीय लोग पार्क में समय बिताने का आनंद ले सकते हैं, जहां बच्चे खुली जगह में दौड़ सकते हैं, स्पेशल खेल के मैदान में खेल सकते हैं, जबकि एडल्ट अच्छी तरह से मैनिक्योर्ड घास में बैठ सकते हैं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। पार्क में पैदल मार्ग है जो विजिटर्स के लिए मैनिक्योर्ड लॉन्स के बीच चलना आसान बनाते हैं। लोग विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और पूरे बगीचे में फैले कई छोटे तालाबों की प्रशंसा कर सकते हैं।
ये पार्क पुलिस बाजार से करीब 2 किलोमीटर के दूरी पर है, तो आप लोग पुलिस बाजार से पैदल चल के लेडी हाइडारी पार्क आ सकते हैं, या फिर आप लोग टैक्सी किराए पर भी ले सकते हैं और पार्क तक पहुंच सकते हैं। लेडी हाइडारी पार्क शिलोंग का एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे कोई भी टूरिस्ट छोड़ना नहीं चाहेगा। हरे भरे बगीचे जो साल भर रंग बिरंगे फूलों से सजे रहते हैं, और साथ में एक छोटा चिड़ियाघर जिसमें एक विशेष डियर पार्क है, लेडी हाइडारी पार्क को मस्ती और उल्लास का स्थान बनाता है। यहाँ मुझे 2 पेलिकन्स देखने को भी मिले और उनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका भी मिला। ये है बच्चों के लिए बनाया गया स्पेशल खेलने का जगह। पार्क के अंदर का वातावरण इतना सुकूनदायक था कि मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बयां कर सकती। मस्त हवा यहाँ पे। पार्क को बहुत ही लगन से बनाए रखा है और बच्चों के लिए एक विशेष खेल का मैदान भी प्रदान करता है। चिड़ियाघर, पार्क और फूलों की क्यारियों का खूबसूरत संयोजन इसे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का एक आदर्श स्थान बनाता है। चिल्ड्रंस पार्क के बाद हम एनिमल लैंड की तरफ निकले, जहां पे हम लोगों को चिड़ियाघर और डियर पार्क देखने को मिलेंगे। यहाँ के चिड़ियाघर का साइज बहुत ही छोटा है, इसी वजह से इसे मिनी जू भी कहा जाता है। इस मिनी जू में आप लोगों को बहुत ही कम प्रमाण में बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स देखने को मिलेंगे। ये है डियर पार्क। अभी मैं पहुंची हूँ शिलोंग के एलिफेंट फॉल्स, तो चलिए मेरे साथ। लेडी हाइडारी पार्क देखने के बाद
हमने एक लोकल टैक्सी किराए पर लिया और एलिफेंट फॉल्स पहुंचे। पार्किंग प्लेस के पास सोवेरनेस बेचने वाली कुछ छोटी दुकानें हैं, कुछ खाना खाने की स्टॉल भी है जहां आप लोग खाना खा सकते हैं। गेट से एंट्री लेने के बाद नीचे के स्तर को देखने के लिए सीढ़ियों से आप लोगों को नीचे जाना है, जिसमें पहले और दूसरे स्तर पर आराम करने के लिए बेंच की सुविधा दी गई है। एलिफेंट फॉल्स ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के अपर शिलोंग में मुख्य शहर शिलोंग के बाहरी इलाके में स्थित है। यह शिलोंग सिटी सेंटर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। एलिफेंट फॉल्स का टिकट प्राइस 100 रुपये पर पर्सन है। एलिफेंट फॉल्स मेघालय में स्थित नॉर्थ ईस्ट में सबसे लोकप्रिय फॉल्स में से एक है, जो हाथी जैसे पत्थर के नाम पर है। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर्यटकों का स्वर्ग है, जिसमें विभिन्न सुविधाजनक बिंदुओं से आम आदमी एलिफेंट फॉल्स के तीनों फॉल्स देख सकते हैं। अंग्रेजों ने इस फॉल का नाम एलिफेंट फॉल्स, इस फॉल के एक तरफ हाथी के आकार की चट्टान की मौजूदगी के कारण रखा था। हालांकि भूकंप के कारण यह पत्थर बिखर के बह गया। अभी हम एलिफेंट फॉल्स के फर्स्ट फॉल देखेंगे। फर्स्ट फॉल देखने के बाद सेकंड फॉल और थर्ड फॉल देखने के लिए हमें सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ेगा। लुभावने एलिफेंट फॉल्स को द थ्री स्टेप वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन फॉल्स में उत्तराधिकार में तीन मंत्रमुग्ध करने वाले फॉल्स होते हैं। तीन झरनों में से पहला वाटरफॉल घने पेड़ों के बीच बसा हुआ है और बहुत चौड़ा है। दूसरा वाटरफॉल पानी के पतले धागों तक कम हो जाता है और घटते जल स्तर के कारण सर्दियों में लगभग ये वाटरफॉल नगण्य हो जाता है। तीसरा और सबसे अधिक दिखाई देने वाला वाटरफॉल सबसे ऊंचा है, जिसमें साफ पानी है जो दूध की चादर की तरह काली चट्टानों पर बहती है। तीनों में से तीसरा वाटरफॉल टूरिस्टों को सबसे प्रभावशाली के रूप में प्रभावित करता है। ये है एलिफेंट फॉल्स का दूसरा वाटरफॉल। दूसरी वाटरफॉल देखने के बाद तीसरी वाटरफॉल देखने के लिए हमें सीढ़ियों से और नीचे जाना है। अगर आप लोग मानसून के सीजन में आते हैं तो सीढ़ियाँ फिसलन भरी हो सकती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि अच्छे पकड़ वाले आरामदायक जूते पहने। इतना सुंदर नज़ारा है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एलिफेंट फॉल्स का भ्रमण पूरे साल किया जा सकता है, हालांकि सर्दियों के दौरान पानी का स्तर थोड़ा कम हो जाता है, फिर भी ये झरनों का आकर्षण को कम नहीं करता है। मानसून के ठीक बाद के महीने सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि पानी पूरी ताकत से बहता है और यह दृश्य लंबे समय तक याद रखने योग्य है। एलिफेंट फॉल्स सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यह सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। मेघालय में आगे की यात्रा के लिए जाने से पहले एलिफेंट फॉल्स एक बेहतरीन स्टॉप ओवर डेस्टिनेशन है। मेघालय की राजधानी शिलोंग से 12 किलोमीटर दूर स्थित ये खूबसूरत एलिफेंट वाटरफॉल्स झरनों में सबसे अधिक देखने वाले झरनों में से एक है। एलिफेंट फॉल्स के तीनों फॉल्स देखने के लिए आप लोगों को लगभग 150 सीढ़ियां नीचे चलना और ऊपर चढ़ना पड़ेगा।
फाइनली हम तीसरे वाटरफॉल के पास पहुंच गए। वाओ कितना सुंदर है। नीचे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर आने में मेरी हालत खराब हो गई थी। एलिफेंट फॉल्स देखने के बाद मेरी पूरी ताकत चली गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने एलिफेंट फॉल्स के बाहर ही कुछ खाना खाया। शिलोंग से एलिफेंट फॉल्स जाने के रास्ते में ही आप लोगों को टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे। हमने सोचा एलिफेंट फॉल्स देख के वापस लौटते वक्त देखेंगे, पर तब तक वो बंद हो गया था। तो अगर आप लोग टी गार्डन देखना चाहते हैं तो जल्दी जाना होगा आपको, इसलिए मैं आप लोगों को बाहर से ही दिखा देती हूँ। टी गार्डन का टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। टी गार्डन के बाद हम पुलिस बाजार की तरफ निकले। पुलिस बाजार पहुंचने तक लगभग अंधेरा हो चुका था। शिलोंग का पुलिस बाजार सभी टूरिस्ट के लिए एक मुख्य बाजार और शॉपिंग डेस्टिनेशन है। पुलिस बाजार शिलोंग सिटी का दिल माना जाता है। शिलोंग में यह एक प्रसिद्ध शॉपिंग अड्डा है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों की भी प्रायोरिटी लिस्ट में है। यह एक आधुनिक बाजार है जिसमें कई होटल, दुकानें और स्ट्रीट फूड जॉइंट्स है, जो हर टूरिस्ट के टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करता है। पुलिस बाजार में हम लोगों ने काफ़ी कुछ शॉपिंग किया और आखिर में हम लोग इतना थक गए थे कि हम लोगों ने कुछ खाना खाया और फिर होटल की तरफ निकल पड़े। आज मैं सिर्फ शिलोंग घूम पाई, कल मैं चेरापूंजी घूमने जाऊंगी। उसके लिए मुझे टैक्सी बुक करना पड़ेगा। मैं टैक्सी कैसे बुक करती हूँ और कितने बजट में बुक करती हूँ, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। चेरापूंजी घूमने की सारी जानकारी आप लोगों को मेरी चेरापूंजी वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ शिलोंग के टूरिस्ट स्पॉट्स आप लोगों को दिखाई है। इस पूरे मेघालय ट्रिप का बजट आप लोगों को मेरी डाउकी वाली वीडियो पे मिल जाएगा। ये रहा शिलोंग साइट सीइंग का बजट।